हेलो एवरीवन, आई एम सन्मिष्ठा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप एक काजल से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं जो भी लुक्स क्रिएट करने वाली हूँ, मैं इस प्रोडक्ट से करने वाली हूँ। यह है NY Bake का काजल और द बिग एप्पल ऑफ माई आई। ये बहुत ही अच्छा काजल है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सिंपल काजल लगा रही हूँ, सिर्फ अपने लो वाटर लाइन पे। उसके बाद मैं सारे आई लुक्स क्रिएट करूँगी। तो मैंने सिंपली दोनों आँखों पे ही काजल अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया है अपना फर्स्ट काजल आई लुक। इसके लिए मैंने पहले अपने लो वाटर लाइन एंड लोअर लैश लाइन को अच्छे से थिक अप्लाई किया है काजल को। जितना थिक हो सके उतना आप कीजिए, जितना आपको पसंद है। मैंने यहाँ पर बहुत ही थिक किया है, इससे क्या होता है कि आईज़ बहुत ही बोल्ड दिखते हैं। एंड मैंने दूसरे आई पे भी अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं अपने अपर वाटर लाइन पे भी इसे अप्लाई कर रही हूँ थिक करके। इससे क्या होता है कि आईज़ बड़ी दिखती हैं और बहुत ही प्रिटी लगती है। तो अगर आपके आईज़ छोटे हैं मेरी तरह, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स गाइस। सो ये था पहला आई लुक। नाउ सेकेंड आई लुक के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल आईलाइनर ड्रॉ किया है काजल से। सो ये उनके लिए इजी होगा जिन्हें लिक्विड आईलाइनर अप्लाई करना थोड़ा सा हार्ड लगता है, सो वो ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। एंड ऑल्सो डेली वेयर के लिए अगर आप लिक्विड आईलाइनर अप्लाई करना ना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। सो ये द सेकेंड आई लुक। नाउ थर्ड आई लुक इज़ द एक्सटेंशन ऑफ सेकेंड आई लुक। मैंने यहाँ पे जस्ट एक विंग क्रिएट किया है, सिंपली जैसे हम एक विंग लाइनर क्रिएट करते हैं लिक्विड लाइनर से, उसी तरह मैंने यहाँ पे काजल से भी किया है एक सिंपल विंग। सो मैंने उसी तरीके से दोनों आईज पे ही विंग क्रिएट कर लिया है एंड इट्स डन। फोर्थ काजल आई लुक भी थर्ड काजल आई लुक का ही एक एक्सटेंशन है। एक फिश टेल मैंने बनाया है, जो मैंने पहले विंग किया था वो ऊपर था, अब ये विंग मैं थोड़ा सा नीचे करूँगी ताकि एक फिश टेल जैसा दिखे। सो ये एक फिश जैसा लगेगा, सो आपकी आईज फिश जैसी लगेगी एंड फिश टेल आप जो बना रहे हैं विंग करके, इट लुक्स रियली प्रिटी गाइज, आप देख सकते हैं। तो ये था फोर्थ काजल आई लुक। फिफ्थ आई लुक है एक ब्लैक स्मोकी आई लुक। ये बहुत ही एक बोल्ड आई लुक है, एक स्मजी आई लुक है, तो आप इसे किसी भी नाइट पार्टीज़ के लिए, किसी भी ओकेशन या फेस्टिवल में आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले अपने पूरे आईलिड पे काजल को अच्छे से अप्लाई कर लिया है। बस ध्यान देना है कि क्रीज लाइन से ऊपर आप ना जाए, दैट्स इट। एंड फिर एक स्मजर ब्रश से इसे अच्छे से जस्ट स्मज कर देना है। कुछ इस तरीके का स्मजर ब्रश मैंने लिया है एंड अच्छे से मैं इसे स्मज कर लूँगी। नीचे की तरफ करना है ताकि ये क्रीज लाइन से ऊपर ना जाए। एंड इसमें ब्लेंडिंग में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि स्मोकी आईज में ब्लेंडिंग इज मस्ट। इसी से इसकी जो बोल्ड लुक आती है, एंड इसके लिए ज़्यादा परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें जो स्मजी लुक है वही बहुत अच्छी लगती है। लोअर लैश लाइन को भी मैंने स्मज कर लिया है। सो ये है फिफ्थ काजल आई लुक गाइस। लास्टली मैंने इसी लुक के साथ थोड़ा सा ऐड कर लिया है, मैंने जस्ट दोनों आंखों पे ही टेप लगा लिया है एक शार्प लुक पाने के लिए। उससे क्या होता है और अच्छा लगता है, थोड़ा सा शार्प हो जाता है आईज। दोनों आंखों पे ही मैंने टेप लगा लिया है एंड फिर से उसी स्मजर ब्रश से मैं फिर से स्मज कर लूँगी ताकि एक शार्प जो है स्मोकी लुक वो बहुत ही शार्प लगे। एंड फिर मैंने टेप्स को रिमूव कर लिया है एंड नाउ यू कैन सी इट लुक्स रियली नाइस। देखिए एक स्ट्रेट एंड शार्प लुक आया है, टेप से बहुत अच्छे से हो जाता है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इफ यू
like my video, then please give it a big thumbs up and share it with your friends and family. And don't forget to subscribe to my channel because it's free. And also press that bell icon to get notified whenever I upload a new video. Okay, so I'll see you in the next video. Till then, bye-bye.